वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। नाइन्थ क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है और केमिस्ट्री का हर चैप्टर इस क्लास का आपको पता ही है बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में जितने भी आपने टॉपिक्स किए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ये एक्चुअली बेसिक टॉपिक्स हैं नाइन्थ में जो हम पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इन्हीं टॉपिक्स को इन्हीं चैप्टर्स को आप इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। अगर आपने इलेवंथ में ट्वेल्थ में साइंस रखी तो आप देखिएगा आपको इन्हीं टॉपिक्स को बहुत इलैबोरेट करके पढ़ना है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम स्टडी ऑफ कैथोड रेस के अंडर पढ़ते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ। तो सर जे जे थॉम्सन, जोसेफ जॉन थॉम्सन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। बहुत सारे रिसर्च इन्होंने किए और फिजिसिस्ट थे और इनका फिजिक्स को बहुत ज़्यादा योगदान है। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये भी साइंस को इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। थर्मोडायनेमिक्स के फील्ड में इन्होंने रिसर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रिसिटी के केस में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने की। और 1906 में फॉर डिस्कवरिंग द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, हम जिसके बारे में बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। जी पी थॉम्सन इसके इनके बेटे थे, उनको भी इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको प्रूव करने के लिए 1937 में नोबेल प्राइज मिला। तो जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले आप डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में समझिए। डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअली वो डिवाइस है जिसमें कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस किए गए, ठीक है, जिसमें बनाए जाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब की भी अपनी एक हिस्ट्री है, इस पर भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया हुआ है। अलग अलग तरह के डिस्चार्ज ट्यूब्स हुआ करते थे, अभी भी हुआ करते हैं इनफैक्ट, जिनकी अलग अलग तरह की शेप होती है, जिसमें अलग अलग तरह से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अलग अलग गैसेस होंगे तो डिस्चार्ज ट्यूब अलग अलग तरह से ग्लो करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सामने स्क्रीन पे आपको 5 डिफरेंट कलर के डिस्चार्ज ट्यूब्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो कलर है ये बेसिकली डिपेंड करता है किस बात पे कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने गैस कौन सी ली है। जैसे हीलियम लिया है या नियॉन लिया या आर्गॉन लिया या क्रिप्टॉन लिया या ज़ेनॉन लिया या कोई और गैस ली है। तो अभी मैंने ये 5 गैसेस के बारे में बताया क्योंकि सामने जो स्क्रीन पे आपको कलरफुल पिक्चर्स दिख रही हैं, कलरफुल ट्यूब्स दिख रही हैं, ये एक्चुअली इन गैसेस की प्रेजेंस के कारण है। तो ये जो गैस है, डिफरेंट गैसेस जो हैं उनमें डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो अलग अलग तरह से ग्लो करता है। इस ग्लो को हम फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये पूरा एक डिवाइस है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जिस डिस्चार्ज ट्यूब को आप देख रहे थे अभी वो ये है। ठीक है जी, चलते हैं और आगे देखते हैं। तो एक पॉपुलर रेफरेंस बुक से मैंने ये पिक ली है, ये डायग्राम है जो आपको बनानी होती है। तो ये कुछ देखने में इस तरह से होती है। आपको मैं एक्चुअली किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब दिखता है वो भी इसी लेक्चर में दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप पहले इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा एक बैटरी, ठीक है, ये है कैथोड और ये पार्ट है एनोड। अक्सर ये कैथोड और एनोड जो है प्लैटिनम के बने होते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि ये जो ट्यूब है इसके अंदर अलग अलग तरह की गैसेस हम ले सकते हैं और उन अलग अलग तरह की गैसेस के कारण जो ग्लो होता है, कलर जो होता है इसका, वो अलग तरह का होता है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको आप साधारण शब्दों में वोल्टेज बोलते हैं, 10,000 वोल्ट्स तक लेना है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई
वोल्टेज आपको लेनी पड़ती है। इसके अलावा क्या होता है, ये जो ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर प्रेशर भी जो है वो आपको बहुत लो रखना पड़ता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रेशर लिखा हुआ 0.001 mm। हमने शुरू से यही पढ़ा है कि ये प्रेशर जो है इतना होना चाहिए, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं जब इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए गूगल में भी बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, तो मैंने देखा 0.001 mm प्रेशर तो लिखा ही हुआ था कई जगह पर 10^-2 mm भी लिखा हुआ था। आप समझते हैं 10^-2 mm लिखने का मतलब यह है कि 0.01 mm प्रेशर। ओके, मैं फिर से बता दूं, यहां पर आप देख रहे होंगे 0.001 mm और यहां पर आप देख रहे हैं 0.01 mm, यहां पर देख रहे हैं 0.001 mm और यहां पर देख रहे हैं आप 0.01 mm। तो आप टीचर से बात कीजिएगा अपने स्कूल में और जो वो बोले आप वही लिखिएगा, क्योंकि चेक एक्चुअली उन्होंने करना है। तो आगे आप देख सकते हैं, गूगल में भी आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी जगहों पर 0.01 mm मिलेगा, लेकिन मैंने खुद भी हमेशा 0.001 mm ही पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे आपको टीचर बोले आप देख लीजिएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम बात करते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये आपके पास एक ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब, ये ग्लास की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी आपको बैटरी दिखाई दे रही होगी और ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये प्लैटिनम का एनोड, ये प्लैटिनम का कैथोड। ठीक है जी, और ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं एक वैक्यूम पंप बना हुआ है। ओके, ये बैटरी है। तो मैं फिर से बता दूं आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि वोल्टेज हाई रखनी है 10,000 volts। ओके, और इसके अलावा प्रेशर जो है बहुत कम रखना है। तो कई जगहों पर आपको 0.01 mm लिखा हुआ मिलेगा और कई जगहों पर 0.001 mm लिखा हुआ मिलेगा। तो जो भी होगा आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कैथोड रेज, जब आप इस ट्यूब को यूज में लाते हैं तो आप देखेंगे कि ऑर्डिनरी प्रेशर में, ओके, व्हेन द एयर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज टेकन एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप चाहे वहां पर क्या करें, 10,000 volt, आपने वोल्टेज ले ली 10,000 volt, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 volt ले लिया, लेकिन प्रेशर जो है वो आपने नॉर्मल प्रेशर रखा, तो उस केस में आप देखेंगे नो करंट फ्लोज थ्रू द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई भी करंट जो है वो आपको फ्लो करती हुई नहीं दिखाई देगी। लेकिन कहीं अगर आपने सपोज करिए, जैसे यहां पर देखिए, मैंने आप देख रहे होंगे ये 10 mm प्रेशर है। ओके, तो कोई भी करंट जो है यहां पर फ्लो होते हुए दिखाई नहीं देगी। और अगर थोड़ा सा और आप रिड्यूस करेंगे, जैसे 0.04 mm आप देख रहे होंगे प्रेशर यहां पर किया हो, तो 0.04 mm प्रेशर पर ये ट्यूब कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप देखिए यहां पर कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे, एस्टन्स डार्क स्पेस, क्रूक्स डार्क स्पेस, फेराडेज डार्क स्पेसेस। ठीक है, और ये एक्चुअली ये बात बताता है, यहां से ये पता लगता है कि बहुत सारे लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर बहुत सारे रिसर्च जो है वो किए होंगे। ठीक है, तो इनको सम्मानित करने के लिए इन स्पेसेस को भी अलग अलग नाम दे दिया गया। ओके, तो ये 0.04 mm पर मैंने आपको दिखाया, ये कुछ इस तरह से ट्यूब जो है वो दिखाई देती है। खैर, चलते हैं आगे की तरफ। जब आप प्रेशर को बहुत लो कर देते हैं, मैंने आपको बताया 0.001 mm, या कई जगह पर मैंने आपको बताया उन्होंने लिखा हुआ 0.01 mm, तो मैं अब जब भी बोलूंगा मैं ये प्रेशर बोलूंगा 0.001 mm। एक्चुअली मेरे सामने जो बुक पड़ी है उसमें भी 0.001 mm ही लिखा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो है मैंने बहुत जगह गूगल में जब रिसर्च की इस वीडियो को बनाने से पहले, स्लाइड्स बनाने से पहले, तो वहां पर ये लिखा गया था। इनफैक्ट यहां पर बहुत जगह पर जहां आप डायग्राम्स देखेंगे या फोटोग्राफ्स देखेंगे तो उसके नीचे 0.001
0.001 mm ही लिखा गया है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो जब 0.001 mm प्रेशर जो है वो वहां तक रिड्यूस कर दिया गया, तो ये बात देखने को आई कि जो ग्लास वॉल है ऑपोजिट टू द कैथोड वो ग्लो करने लग जाता है ग्रीनिश येलो लाइट से। ठीक है जी, फ्लोरेसेंस कहते हैं इस फिनोमेना को। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं आपको बताऊं, यहां पर एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी उसमें क्या होता है, पूरी ट्यूब आपको डार्क दिखाई देती है, लेकिन ऑपोजिट जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो ऑपोजिट पार्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूं, जरा आप देखिएगा, पूरी ट्यूब ये जो है ना, ये आपको डार्क दिखाई देगी, लेकिन ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा ग्रीनिश येलो लाइट से। ठीक है, नाउ सम इसका मतलब है देयर माइट बी सम इनविजिबल रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड एंड व्हिच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्राइक द ग्लास वॉल ऑपोजिट टू द कैथोड। अब सिंस दीज रेज वर कमिंग फ्रॉम द कैथोड, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। अब सिंस ये रेज जो है कैथोड से आ रही है, तो इन रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज। तो मैं फिर से आपके लिए बता दूं, बताना क्या है, बताना यह है कि यहां पर इस ट्यूब को जो आप सप्लाई दे रहे हैं करंट की, वो 10,000 वोल्ट होना चाहिए। ओके, दूसरा प्रेशर जो है, आपने जो भी इसमें गैस फिल की है उसका प्रेशर जो है आपने क्या कर देना है, बहुत लो कर देना है, 0.001 mm प्रेशर। ओके, और जब आप ऐसा करेंगे, इससे पहले आप देखेंगे कि आपको कोई भी करंट जो है फ्लो करते हुए दिखाई नहीं देगी, जो आपको छोटी मोटी चेंजेस दिखाई देंगी वो कुछ इस प्रकार की चेंजेस होंगी, जैसा मैंने पहले भी आपको दिखाया, इस तरह की, लेकिन इसके अलावा आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगी। हाँ, 0.001 mm प्रेशर पर आपको कैथोड के बिल्कुल सामने जो इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि एनोड वाला पोर्शन के पीछे वाली जो दीवार है, मतलब मैं यहां पर दिखाऊं तो ये दीवार जो है, ओके, ये दीवार जो है ग्लास की, ये आपको ग्लो करती हुई दिखाई देती है। तो चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कैथोड रेस की, लेकिन ये सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली होता क्या है, ये कैथोड रेस कैसे ओरिजिनेट होती हैं, यहां पर कैसे ये बनती हैं, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन रेस की प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, जब कैथोड रेस के रास्ते में, जब कैथोड रेस के रास्ते में कोई मेटल का पीस रखा गया, जैसे यहां पर एक मेटल क्रॉस रखा हुआ आप देख रहे होंगे, ये तो डायग्राम है, यहां पर देखिए ये एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअली जैसे किया जाता है ये इस तरह से, ठीक है। तो जब रास्ते में एक मेटल का क्रॉस रखा गया, तो उसकी इमेज जो है सामने दीवार पर बनी, ये देख रहे हैं आप, ये इमेज जो है, ये इमेज किसकी है, ये इसकी इमेज है। ओके, तो आप देखिए सीधे यहां से रेज आ रही होंगी, उन्होंने इसको स्ट्राइक किया होगा, अब इतने पोर्शन में वो आगे पेनिट्रेट नहीं कर सकी इस मेटल की प्लेट को, तो बाकी पोर्शन जो है आपको ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जहां पेनिट्रेट नहीं कर पाई वो डार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब ये कि शेडो की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दिस शोज दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यहां से पता लगा कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। किस लाइन में ट्रेवल करती हैं, मैं फिर से बता दूं, यहां पर पता लगा कि कैथोड रेज जो है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आगे देखें तो आगे देखने पर आपको पता लगेगा एक नई चीज, और वो क्या है, जैसे विंडमिल हवा चलने पर उसके ब्लेड्स जो है घूमने लग जाते हैं, ठीक है, वैसे ही अगर कुछ ब्लेड्स जो हैं वो सामने रख दिए जाएं, ओके, तो क्या देखा जाता है कि वो घूमने लग जाते हैं। आप देखें यहां पर डायग्राम आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे,
ठीक है, ये जब कैथोड रेस के रास्ते में इनको रख दिया गया तो ये रोटेट करने लग गया। ओके, आप देखिए इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि ये जो कैथोड रेस हैं दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एंड पजेस काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होता है कैथोड रेस पर, क्या कैथोड रेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर होता है। तो आप देखिए यहां पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई इनको, मतलब इन रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया तो ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि ये रेस जो थी दे बेंट टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नाउ व्हाई सच थिंग हैपन, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज क्यों हुई? तो उसका रीजन ये होता है, आपको पता ही है कैथोड रेज जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, दे आर कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो डेफिनेटली वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड होंगी। तो ये देखिए, ये तो एक डायग्राम है लेकिन नीचे जो है ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट से मैंने ये फोटोग्राफ जो है ली है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये नीचे एक और देखिए आप, यहाँ पर ये जो मैंने पीछे बात की थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की है। तो ये भी मैंने एक फोटोग्राफ जो है वो एक एक्सपेरिमेंट से ली है, जो यूट्यूब से कोई एक्सपेरिमेंट है उससे मैंने ये फोटोग्राफ ली है। तो आप देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड इनको सप्लाई किया गया, ओके, तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करने के कारण क्या हुआ, एक बात नोटिस में आई और वो बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इनको डिस्टर्ब करता है, मतलब उसके कारण भी इनमें चेंजेस जो हैं वो फील की जा सकती हैं। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि ये कैथोड रेज जो है दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने उससे पहले मैंने आपको बताया दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो भी ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा जाता है मेटल का पीस तो वो उसकी शेडो बना देती हैं। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका भी इस पर इन्फ्लुएंस होता है, और हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड का भी इस पर इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कैथोड रेज दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट टू। तो कोई मेटल का फॉइल अगर रखा गया, जैसे ये मेटल का पीस अगर रखा गया था जिसकी शेडो यहाँ पर बनी थी, तो ये मेटल का, मैंने आपको जैसा बताया ये मेटल का पीस है तो ये गर्म भी हो गया होगा। तो अगर एल्युमिनियम फॉइल आप इनके रास्ते में रख देंगे, एल्युमिनियम तो आपको पता है मेटल है तो वो गर्म हो जाता है। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊं, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। जब आप हार्ड मेटल्स, ठीक है, जो हायर मेटल्स होते हैं जैसे टंगस्टन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, जब ये प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल्स लाइक टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एटसेट्रा, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि कैथोड रेज जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होती हैं, हाउ डू कैथोड रेज ओरिजिनेट या हाउ आर कैथोड रेज फॉर्म्ड। सो मैं, आप ध्यान से इसको समझिएगा, कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड। जो भी मटेरियल कैथोड के लिए यूज किया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया अभी प्लेटिनम के बारे में कि प्लेटिनम यूज किया जा रहा है, तो कैथोड रेज सबसे पहले जो है वो प्लेटिनम से यानी कि कैथोड से ही ओरिजिनेट हुई। ओके, फिर क्या होता है, जब कैथोड से ये ओरिजिनेट होती हैं तो आपको पता है कैथोड और एनोड के बीच में गैस पार्टिकल्स होंगे। आपने हीलियम यूज़ किया या आपने नियॉन यूज़ किया या आपने आर्गन यूज़ किया, आपने जो भी यूज़ किया होगा, तो जो भी गैस आपने यूज़ की होगी कैथोड और एनोड के बीच में या ग्लास ट्यूब के बीच में, वो गैस मौजूद होगी। कैथोड से आपने, मैंने जैसा आपको बताया कैथोड रेज जो है पहले ओरिजिनेट हुई कहाँ से, कैथोड से ही ओरिजिनेट हुई, जो कैथोड कैथोड का मटीरियल है उससे वो ओरिजिनेट हुई। आपने 10,000 वोल्ट करंट पास किया, आप समझ सकते हैं 10,000 वोल्ट मीन समथिंग, बहुत ज़्यादा ये करंट है।
तो इतना करंट जब आपने कैथोड से पास किया तो क्या हुआ, वहां से कैथोड रेज ओरिजिनेट हुई। ओके, और कैथोड रेज ओरिजिनेट होते ही जो बीच में गैस मॉलिक्यूल्स थे, कैथोड और एनोड के बीच में गैस एटम्स जो थे, सॉरी गैस एटम्स जो थे डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड और एनोड के बीच में, अब इन्होंने क्या किया, इन कैथोड रेज ने जो ओरिजिनेट हुई कैथोड से नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैस एटम्स, उन्होंने एक झटके से जो गैस एटम्स हैं उनको एक झटका दिया, और झटके के कारण क्या हुआ कि उन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ठीक है, शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बाहर की तरफ निकले ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एनोड की तरफ। दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टूवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज्ड एनोड इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैं जैसा आपको बता चुका हूँ, आपको पता भी होना चाहिए ये अब तक, कि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया, कैथोड से जब आपने 10,000 वोल्ट करंट इसको सप्लाई की तो कैथोड से कैथोड रेज निकले और इस ट्यूब में मौजूद गैस एटम्स के साथ को उन्होंने स्ट्राइक किया उसको, और उनको स्ट्राइक करने पर उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक झटके के साथ एनोड की तरफ मूव करके, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और ये एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसी तरफ डेफिनेटली मूव करेंगे, तो इस तरह से कैथोड रेज की फॉर्मेशन हुई। प्रॉपर्टीज तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अब एक और चीज बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन, अब ये कैथोड रेज एक्चुअली दे आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, दे आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, तभी तो वो एनोड की तरफ भाग रहे हैं। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूव्ड 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम मैग्नीट्यूड में ये होता है, और ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है व्हिच इज कैरिड बाय एनी पार्टिकल, दिस हैज बीन टेकन टू बी 1 unit ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसको हम मानते हैं कि ये 1 unit नेगेटिव चार्ज है, 1 unit ऑफ नेगेटिव चार्ज, या इसको हम -1 से सिंपली लिख देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब आप बात करते हैं तो इट इज 9.109383 × 10⁻³¹ kg। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बारे में भी हमने बात करना है, मैंने आपको बताया, ये तो अभी मैं कैथोड रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जल्दी हम बात करेंगे एनोड रेस के बारे में। खैर, उससे पहले इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज़ अ सब एटमिक पार्टिकल विद मास इक्वल टू 1/1840 ऑफ दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एंड कैरिंग 1 unit नेगेटिव चार्ज, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे देखिए मैंने, क्योंकि तरीका कोई नहीं आ रहा था मैं इसको इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखूं, तो वैसे इसको ऐसे नहीं लिखते, मैंने तो ऐसे लिख दिया ना, ओके आई एम सॉरी, मैंने तो इसको किस तरह से लिखा है आप देखिए, मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ शायद, ओके लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो आपको इसको ऐसे रखना है, चलते हैं आगे। तो ये देखिए क्रूक्स ट्यूब, ये क्रूक्स ट्यूब है, ओके ध्यान दीजिएगा इस पर, क्रूक्स ट्यूब, अगर इस फिगर को देखें तो कुछ याद आता है, कुछ इसी तरह की एक फिगर जो है मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये बताने के लिए कि रास्ते में पड़ा हुआ जो मेटल का पीस है वो शैडो की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्योंकि ये कैथोड रेज जो है इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो यहाँ पर ये शैडो की फॉर्मेशन होती है, और मैंने बताया इससे प्रूव होता है कि स्ट्रेट लाइन में कैथोड रेज जो है ट्रेवल करती है। तो ये देखिए, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब की एक टाइप है जिसको हम क्रूक्स ट्यूब कहते हैं, ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आगे देखिए, ये इसकी डायग्राम है, अब देखिए ये बड़ी मज़ेदार डायग्राम है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाने की भी कोशिश की गई है। आप देखिए ज़रा, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो रेड कलर का मार्क आप देख रहे होंगे, ओके ये रेड कलर का जो लाइन जो आपको यहाँ से जाती हुई दिख रही होगी, ये है, ये रेड कलर की लाइन जो है, ठीक है, ये जो रेड कलर की लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये है कैथोड
ओके, इनको हम कैथोड रेज बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये इनको आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बेंड होते हुए आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये एक फिगर है सिर्फ, लेकिन ये कोई मामूली फिगर नहीं है। आपको मैं बताऊं, यहां पर आपको ये ग्लो दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का, ओके? तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो ग्लो करता हुआ ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आज से कुछ साल पहले टेलीविजन जब नया नया आया, खैर उसके भी काफी समय बाद, मतलब ये LCDs, LEDs, प्लाज्मास, इनके आने से पहले टेलीविजन्स कुछ इस तरह के हुआ करते थे। तो अगर आप ये इनकी स्क्रीन देखेंगे ना, ये जो इनकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये जो ग्रे वाला पार्ट है ना, ये पार्ट जो है ये स्क्रीन है, ये पार्ट जो है ये स्क्रीन है, ठीक है? तो ये स्क्रीन ये है, मतलब इस पे डिस्प्ले जो था दिखाई देता था। मतलब आज आप LEDs या LCDs यूज करते हैं, वहां पर आपको डिस्प्ले दिखता है, एक्टर्स भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या न्यूज एंकर्स बोल रहे हैं, तो वो डिस्प्ले पर आपको दिखाई देता ना, स्क्रीन पर आपको दिखाई देता। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये ही स्क्रीन हुआ करता था। इस ट्यूब को हम बोलते थे CRT, ओके? अभी भी यही बोलते हैं खैर। तो ये जो टेलीविजन्स होते थे, इनको हम बोलते थे, वी यूज टू कॉल देम CRT टेलीविजन्स। CRT टेलीविजन्स मीन्स, देखिए CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब, तो CRT टेलीविजन्स मतलब। और ये मेरा फेवरेट है, मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले जो टेलीविज़न ख़रीदा था, कलर टेलीविज़न, सॉरी, इससे पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था मेरे पास, छोटा सा था वो, इस तरह का, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने इस तरह का टेलीविज़न ख़रीदा था, ट्यूशंस पढ़ाकर, बड़ी खुशी मिलती है अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से कुछ ख़रीदने से, तो ये कुछ इस तरह का हुआ करता था, ठीक है जी। चलते हैं, ये देखिए सर जे थॉम्पसन, ये सर जे जे थॉम्पसन अपनी लैब में, और ये साथ में उनका डिस्चार्ज ट्यूब, ये पूरा डिवाइस है उनका। आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेकिन एक शॉर्ट में हम अब बात ख़त्म करते हैं। तो कैथोड रेस के लिए कंडीशन क्या है, प्रेशर लो होना चाहिए, कितना मैंने आपको बताया, 0.001 mm। हम हमेशा से यही पढ़ते आए हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ, कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था मैं कैथोड ट्यूब के बारे में, इस डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, तो वहाँ प्रेशर जो है कई जगह पर मैंने 0.01 mm भी पढ़ा है। ओके, कंडीशन लो प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इवैक्यूएटेड ट्यूब होनी चाहिए, और वोल्टेज भी हाई रखनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। कैरेक्टर्स क्या है इलेक्ट्रॉन्स के या कैथोड रेस के, वो है, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे मूव इन स्ट्रेट पाथ इन हाई स्पीड, गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पजेस काइनेटिक एनर्जी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोड्यूसर्स एक्सरे विद हैवी मेटल्स। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। ये लेक्चर मैं पहले भी एक बार अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैंने डिलीट कर दिया इनफैक्ट, क्योंकि मुझे खुद उस लेक्चर से कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। पर्टिकुलरली ये जो 0.01 mm वाला जो पॉइंट था, ये मैं आपको मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि आप कई बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर 0.001 mm होगा, तो एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया। तो आई एम श्योर कि आप समझ रहे होंगे, और एक चीज़ से मुझे निराशा भी होती है, और वो निराशा की वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जिस तरह से रिस्पॉन्स इन लेक्चर्स को मिलना चाहिए, उस तरह से नहीं मिल पा रहा। देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बीइंग अ ट्यूटर मैं अपने काम में बिज़ी हो जाऊँगा, वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, तो डेफिनेटली सोचूंगा कि शायद यूट्यूब चैनल जो है वो आगे मैं चलाऊं कि ना चलाऊं, उसका कुछ मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं ना चलाऊं, मैं बंद कर दूं, तो उससे पहले इस यूट्यूब चैनल को अच्छी रिकॉग्निशन जो है वो ज़रूर मिले। आई एम श्योर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं एक आम इंसान की तरह आपको कभी नहीं बोलूँगा कि सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने में मदद कीजिए, ठीक है?
क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है, आपको ऑर्डर देना है, आप समझ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।